हेलो बड़ी, आज हम बात करेंगे इंडियन भूतों और इंग्लिश भूतों के बारे में। तो जब भी किसी मूवी में जाओ ना, जब भी सबसे पहले देखते हैं कौन सी टाइप की मूवीज होती है। साउथ इंडियन मूवीज हाँ, पहले ऐसे पत्थर फिल्में बनाते हैं ये लोग, मतलब भूतों को कोई रिलीजन ही नहीं होता। कोई चर्च में उसकी पूजा कर रहा है, कोई पंडित आके पूजा कर रहा है, क्या हो रहा है ये? अरे मेरा मतलब, जैसे फॉरेन की भी इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही भूत होता है, इंग्लिश ही होता है, और मतलब उसको बस क्रिश्चियन ही भूत हटा सकते हैं ना, है ना। और हिंदी जब होती है तो क्या होता है, हिंदी में बोलता है सारे मंत्र पंडित, पंडित बोलता है, चर्च में नहीं जाता वो, पंडित बोलता है, ऐसे घर पे आके आरतियां करता है। पर मिक्स है, साउथ इंडियन फिल्म में मिक्स है, मिक्स फुल मिक्स, हिंदी भोजपुरी इंग्लिश, इंग्लिश तो खैर बोल नहीं पाते पर इंग्लिश इंग्लिश और कौन सी रीजनल सारी और मेरा मतलब कि भाई मतलब इंग्लिश है तो क्रिश्चियन ही होगा भूत, अगर हिंदी है तो भूत इंडियन ही होगा। मतलब ये हमेशा जरूरी है, ये साउथ इंडियन है तो भूत कहीं का भी हो तो फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ मतलब जैसे अभी आई थी स्त्री, स्त्री आई थी और एक आई थी नन, है ना। स्त्री में क्या था, भूत इंडियन थे, सब इंडियन थे, है ना। नन में क्या था, सभी फॉरेनर थे। वो व्हाइट टीचर वाली पहनती टी शर्ट वाली आंटी और दूसरी काली वाली आंटी, दोनों ही क्रिश्चियन। अरे मेरा मतलब भाई, एक ट्राई मार लो, एक काम करते हैं, हिंदी वाले लोगों को बनाते बोलते हैं कि भाई एक बनाओ मूवी जो चर्च के भूतों पे बेस्ड हो। भाई मेरा मतलब इंग्लिश बोले कुछ बोले, मतलब हर साल भाई आती है एक हरा डरावनी मूवी आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, जो जो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, उसका वही डिफरेंट होता है। स्त्री आ गई तो डिफरेंट है क्योंकि वो तो एक रिडिकुलस बेस्ड फिनोमेना पे है। तो और नन आ गई, नन का मुझे तो पता नहीं, मैं देखी नहीं, मुझे तो फट जाती है पहले जाने से। मेरा भाई ये कि लॉजिक क्या है भाई, मतलब मूवी बना रहे हो पर मतलब मेरा कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है भाई। अभी तो नहीं मूवी देखी साउथ इंडियन की, मुझे लगता है भाई देख ही लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अब देख ही लो। और हिंदी मूवी, हिंदी मूवी तो मैं पता ही है कोई चक्कर होगा नहीं, आधी कॉमेडी होगी, आधे लोग भूत नाच रहे होंगे, आधे वो हंस रहे होंगे वो इंसान, और कुछ नहीं होना। बस फटती है जब फॉरेन मूवीज पर आते हैं तब फटती है बुरी वाली कांड, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे बस की बात नहीं है जाना ऐसे मूवीज में जो इंग्लिश में और पता नहीं क्या गोरी गोरी, मतलब कुछ मेरे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं बस तभी हंसता मूवी में जब मेरे दोस्त हंस रहे होते हैं आसपास, वरना मुझे हंसी नहीं आती, मैं को कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। और मतलब हिंदी में देखो तो भाई वो तो अंदर की हंसी होती आई जाती है, साउथ इंडियन सेम है क्योंकि ना जब इंडियन मूवीज बनती है ना, हिंदी मूवीज साउथ इंडियन मूवीज, उसमें क्या होता है पूरा उसको कर ही नहीं सकते, उसको पूरा हॉरर कर ही नहीं सकते, वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमेडी लेके आते ही हैं। मतलब अगर वो चाहते भी ना कि कॉमेडी लगे, कॉमेडी आ ही जाती है अपने आप, मतलब उनकी मूवीज ही ऐसी बनती हैं, वो बिना चाहे कॉमेडी ले आते हैं मूवी में। क्योंकि मतलब ऐसे ब्रेक्स आते हैं ना जब वो सुबह हो जाती है घर के बाहर आते, फॉरेनर्स क्या करते हैं वो रात ही रात में सब काम कर देते हैं, मतलब वो काम नहीं डरावने का, मतलब यही प्रॉब्लम है बस। इंडियन हॉरर मूवीज फॉरेन हॉरर मूवीज, बस यही डिफरेंस है रिलीजन का, जिसके लिए हम लड़ते हैं रोज, न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे आता है ये सब, मूवीज में भी वही करवाते हैं। अब चलो हॉरर मूवीज ना ही लें रिलीजन की लड़ाई पे, और ये विजय पद्मावती आ गई उसमें इतना कर दिया लोगों ने, बस यही है वीडियो। आई होप पसंद आए आप लोगों को, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।
और हाँ, that's it. Thank you.